नमस्कार, मैं अभिषेक श्री अरबिंदो सोसाइटी के प्रतिनिधि के रूप में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार ZIIEI कार्यक्रम के अंतर्गत संकलित किए गए एक बहुत ही रोचक नवाचार के बारे में आपको विस्तार में बताएंगे। आज के इस वीडियो में मैं आपको सेल्फ लर्निंग केस स्टडी के अंतर्गत आने वाले त्रिपुरा राज्य के एक नवाचारी शिक्षक के द्वारा शेयर किए गए एक बहुत ही रोचक नवाचार के बारे में बताऊंगा, जिस नवाचार का नाम है सोर्सेज ऑफ लाइफ। सोर्सेज ऑफ लाइफ नवाचार के ऊपर आने से पहले यदि हम बात सेल्फ लर्निंग केस स्टडी की करें तो इस केस स्टडी के अंतर्गत वे सभी नवाचार आते हैं जिनका उपयोग हम अपने विद्यालय में बच्चों के अंदर स्वयं सीखने की भावना को विकसित करने के लिए करें। इन्हीं में से एक नवाचार है जिसका नाम है सोर्सेज ऑफ लाइफ। इस नवाचार को उपयोग में लाने से पहले शिक्षक ने अपने विद्यालय में बताया कि उन्होंने अपने विद्यालय में एक चीज नोटिस की कि बच्चे जब सुबह विद्यालय आते हैं तो बहुत सारी चीजें देखते हुए आते हैं। इन सभी चीजों से कभी कभी बच्चों का माइंड जो है कक्षा से बाहर डाइवर्टेड रहता है, तो क्यों ना उन्हीं चीजों का, जो बच्चों के माइंड में चीजें चल रही हैं, उन्हीं चीजों का इस्तेमाल करके उन्हें कुछ सिखा दिया जाए। इसी भावना को दिमाग में रख के उन्होंने एक आइडिया दिया जिसका उन्होंने नाम रखा सोर्सेज ऑफ लाइफ। इस आइडिया को कक्षा में इंप्लीमेंट करने के लिए उन्होंने अपनी कक्षा को कुछ ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। ग्रुप्स में डिवाइड करने के बाद प्रत्येक ग्रुप का एक ग्रुप लीडर डिसाइड कर दिया गया। ग्रुप लीडर डिसाइड होने के बाद बच्चों से एक प्रश्न उन्होंने किया। फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने बच्चों से पूछा कि आप बताइए कि आपको जीवन जीने के लिए सबसे ज्यादा आवश्यकता किस चीज की पड़ती है। हो सकता है किसी बच्चे ने आंसर दिया सर भोजन की, किसी बच्चे ने बोला कि सर जल की। इसी प्रकार से अलग अलग बच्चों ने अलग अलग प्रकार के आंसर्स दिए। अब बच्चों से दूसरा क्वेश्चन यह किया गया, फॉर एग्जाम्पल बच्चों ने बोला था कि सर जल की आवश्यकता पड़ती है, तो बच्चों से पूछा कि आज जब आप विद्यालय आ रहे थे, विद्यालय आते समय आपने कोई ऐसी जगह देखी जहाँ पे जल था या पानी था। बच्चों ने बोला, हो सकता है किसी बच्चे ने बोला कि सर जब मैं आ रहा था तो मैंने रास्ते में तालाब देखा, पॉन्ड देखा। किसी बच्चे ने बोला कि सर मैं आ रहा था तो मैंने देखा कि लोग नदी से मछलियां पकड़ रहे थे, उसमें भी तो पानी था सर, पानी से मछलियां पकड़ रहे थे खाने के लिए। और साथ ही साथ देखा गया जब उन्होंने बच्चों से प्रश्न किए तो बच्चों के अलग अलग प्रकार के आंसर्स आए। अब उन आंसर्स को कनेक्ट करके सर ने बच्चों को ये इसेंशियल वस्तुओं के बारे में, वो वस्तुएं जो हमारे जीवन के लिए अति आवश्यक है, उनके बारे में ज्ञान देना स्टार्ट किया। फॉर एग्जाम्पल बच्चे ने बोला कि सर हमें पानी की आवश्यकता होती, तो क्यों, अगर हम पानी नहीं पिएंगे तो क्या होगा। बच्चे ने बोला सर हमारे को एनर्जी नहीं मिलेगी, हम खड़े नहीं हो पाएंगे, तो जल हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। जल के अंदर बच्चे ने बोला कि सर मछलियां पकड़ रहे थे, यानी कि जल के अंदर जीवन भी पनपता है। बच्चों को यह नॉलेज भी दी गई, जलीय जंतुओं के बारे में बच्चों को बताया जा सकता है। इसी प्रकार से अगर किसी बच्चे ने बोला कि सर भोजन, तो आपने कुछ ऐसी चीज देखी भोजन, बच्चे बोलेगा सर पेड़ फल फ्रूट एक्स वाई जेड आइटम्स हम बच्चों को वहां पे पढ़ा सकते हैं, और यहाँ से उनकी थिंकिंग एबिलिटी के लिए कोई एक पर्टिकुलर फाउंडेशन नहीं है, वो ज्यादा से ज्यादा सोच सकते हैं। इसी प्रकार से आप विद्यालय के अंदर बच्चों को कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी टॉपिक का ज्ञान प्रदान कर सकते हैं। इससे बच्चों का जो है लर्निंग आउटकम्स अच्छे होते हैं। मैं आशा करता हूँ कि यह छोटा सा आइडिया आप सभी को अवश्य पसंद आया होगा। आप अपने विद्यालय में इस आइडिया को अवश्य इम्प्लीमेंट करेंगे। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आप यह वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो ZIIEI के Facebook पेज को अवश्य लाइक करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।